नमस्ते। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत पे लोन्स के बारे में। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको लोन के बारे में दूंगा, साथ में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, यानी किस किन मर्चेंट्स को लोन दिया जा रहा है, एंड उसके अलावा एंड टू एंड पूरा प्रोसेस, यानी कि मर्चेंट ऐप में मर्चेंट को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैप्टन ऐप में आपको एज एफएससी कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, पूरी एंड टू एंड इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लोन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। भारत पे अपने मर्चेंट्स को 10,000 रुपए से लेके 10,00,000 रुपए तक का लोन देते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है वो रहता है 1.49% से लेके 1.99% पर मंथ के हिसाब से। प्रोसेसिंग फीस की बात करूं तो वो रहती है 4% प्लस 18% GST, और जो टेन्योर रहता है वो रहता है आपका 4 मंथ से लेके 15 मंथ्स तक। मर्चेंट उसको ऑप्ट कर सकते हैं, या तो 4 मंथ्स के लिए कर ले या आगे 6 मंथ्स या 12 मंथ्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 15 मंथ्स तक का ऑप्शन वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट कैसे कटेगी, डेली बेसिस पे मर्चेंट अकाउंट में जो भी कलेक्शन आ रहा है कस्टमर की तरफ से, यानी कि QR से पेमेंट आ रही है, स्वाइप से पेमेंट आ रही है, NEFT से पेमेंट आ रही है, ठीक है, UPI से पेमेंट आ रही है, जितना पैसा कस्टमर से भारत पे मर्चेंट अकाउंट में आ रहा है उसी में से डेली बेसिस पे जो किस्त है वो डिडक्ट की जाएगी। इसको हम बोलते हैं EDI। EDI का फुल फॉर्म होता है इक्वल डेली इंस्टॉलमेंट। और आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये डेली बेसिस पे डिडक्ट होगी, इवन ऑन संडेज को भी ये डिडक्ट होने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया पूरा लोन का ओवरव्यू। अब मैं आपको बता देता हूं किन मर्चेंट्स को लोन दिया जाएगा भारत पे की तरफ से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो एज का फैक्टर है, मर्चेंट की जो एज है वो 21 से लेके 65 इयर्स होनी चाहिए, और उसके अलावा गुड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि रेगुलर बेसिस पे भारत पे QR से स्वाइप से पेमेंट एक्सेप्ट करें, ठीक है, भारत पे मर्चेंट अकाउंट में पैसा आए और उन जो पैसा कलेक्ट होगा उसी के थ्रू जो इंस्टॉलमेंट है वो डिडक्ट होगी भारत पे मर्चेंट अकाउंट से। तो डेली बेसिस ट्रांजैक्शन अच्छे होने चाहिए, उसके अलावा सिबिल स्कोर जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, यानी कभी पहले कभी किसी बैंक से लोन हो या NBFC से लोन लिया हो, वो लोन टाइमली पेमेंट वो कर रहे हो और कोई भी डिफॉल्ट ना हो। लास्टली जो एड्रेस दिया जा रहा है एप्लीकेशन में मर्चेंट का, जो पिन कोड वहां मेंशन किया जा रहा है वो सर्विसेबल पिन कोड होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, बैंक का ये जो आपका लोन है भारत पे का, इसका एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया, साथ ही मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया। अब मैं आता हूं एंड टू एंड प्रोसेस, एक लोन एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस किया जाता है, मर्चेंट ऐप में कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, और उसके अलावा कैप्टन ऐप में एज FSC आपको कौन कौन से स्टेप करने होते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं आगे इस वीडियो में दूंगा। आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख पाएंगे और एक लोन एप्लीकेशन मैं प्रोसेस करूंगा और आप मेरे स्क्रीन पे सारे स्टेप 1 by 1 करके देख पाएंगे। चलिए अब मैं आपको लोन का प्रोसेस एंड टू एंड बता देता हूँ, कैप्टन ऐप से क्या करना है और मर्चेंट ऐप से कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ, सभी आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगे। तो लोन करने का तरीका ये है, या तो फ्री मर्चेंट के थ्रू लोन कर सकते हैं या तो लोन के टास्क असाइन होते हैं, ठीक है। तो अभी आप मेरी कैप्टन ऐप का स्क्रीनशॉट देख पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस हम लोग समझेंगे। पहले कैप्टन ऐप में क्या स्टेप फॉलो करना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, कैप्टन ऐप मैंने ओपन कर दी, फ्री मर्चेंट पे क्लिक करेंगे और फ्री इसमें मैं राम जनरल स्टोर पे क्लिक करूंगा, पहले से एडेड है, और स्टार्ट विजिट पे क्लिक करूंगा, इसके बाद स्कैनर ऑन होगा और मुझे डिजिटल QR कोड स्कैन करना है मर्चेंट ऐप का। फिर लोन पे क्लिक करेंगे एंड सारे जो टास्क हैं उस पर टिक कर लेंगे, हमें सारे मर्चेंट ऐप पे करने हैं। अभी कोई एप्लीकेशन नहीं, तो एप्लीकेशन नॉट फाउंड आ रहा है, तो ये होम स्क्रीन आ गई मर्चेंट ऐप की। अब मुझे सबसे नीचे लोन वाले टैब पे क्लिक करना है, जहाँ पे जाके मैं लोन का ऑफर चेक कर सकता हूँ। और इन मर्चेंट में पहले से 5,00,000 रुपये का लोन आया हुआ है, तो ये लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया, इनको 5,00,000 का नहीं चाहिए, इनको 45,000 रुपये का चाहिए, वो भी 9 महीने के लिए। तो हमने ये 45,000 कर लिया है और इसके बाद हम 9 महीने पे क्लिक करेंगे। हाँ, 51,570 वापस करना है और इसमें जो EDI कटेगा 270 रुपये पर डे के हिसाब से कटेगा।
जारी रखना है। इसके बाद शॉप का एड्रेस आ जाएगा, उस पर क्लिक कर आगे कंटिन्यू करेंगे, फ़ोटो लेंगे बाहर से शॉप की, और शॉप के अंदर आइटम्स की फ़ोटोग्राफ हम लोगों को लेनी है। अब ये बैंक अकाउंट वेरीफाई है, पैन वेरीफाई, आधार को रीवैलिडेट करना है, तो ये आपको डिजी लॉकर पे लेके जाएगा। तो वहाँ पे आप आधार रीसबमिट करेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले जाके आधार नंबर हम लोगों को एंटर करना है। ये पूरा मर्चेंट ऐप से हम लोग ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो ये आधार नंबर एंटर किया जा रहा है, नहीं मैंने इसको ब्लर कर दिया ताकि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको ब्लर किया है, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो पाए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा लिंक्ड मोबाइल नंबर पे, ओटीपी एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब जो मेरा सिक्योरिटी पिन है वो एंटर करेंगे, यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया। अभी सारी आधार की डिटेल मेरी आ गई, जो भी आधार पे मेरा नाम रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी हैं यहाँ पे। अलाउ पे क्लिक कर देंगे और ये मेरा आधार कार्ड वेरीफाइड हो गया। सारी चीज़ वेरीफाई, सेल्फी लेनी है, मर्चेंट अपनी सेल्फी लेंगे यहाँ पे, एकदम क्लियर सेल्फी होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो ये एकदम क्लियर फोटो आ रही है, ये सही है, इस पर टिक कर देंगे हम लोग, टिक वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे, ये सेल्फी आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें वेरीफाई होगी, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन नंबर, सेल्फी भी होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब एड्रेस कौन सा लेना है, आधार वाला सामान वाला एड्रेस लेना है, तो उस पर क्लिक कर लेंगे आधार वाला एड्रेस। अब स्थिति जारी जानी है, अभी स्थिति हमारा ये, अब इसका केवाईसी, ये हमारा केवाईसी टास्क कंप्लीट हो गया। रेफरेंस पे लेना है, फ़ोन बुक में से 3 नंबर ले लेंगे हम लोग मोबाइल नंबर, और ये एग्रीमेंट आ गया है, लोन एग्रीमेंट, सारी चीज़ें पढ़ के इसको हमें साइन करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू साइन करना है। तो ये अभी साइन हो गया लोन एग्रीमेंट, अब हमारा ईनैश का प्रोसेस आएगा, ईनैश का प्रोसेस करेंगे। इसमें हम भारत पे लोन अकाउंट को बैंक अकाउंट कस्टमर मर्चेंट के बैंक अकाउंट के साथ लिंक करेंगे। तो ये अब ईनैश वाला प्रोसेस अभी आपको दिखेगा, ये हम लोग डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे ईनैश का प्रोसेस। सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो इसके लिए डेबिट कार्ड नंबर होना चाहिए, CVV नंबर होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हैंडी होनी चाहिए, कब से कब तक का मैंडेट लगाना, डेट दी हुई है इसमें, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट हो गया, क्रेडिट, उसके अलावा कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर वो एंटर करना है यहाँ पे, CVV नंबर एंटर करना है। अभी मैंने इसको ब्लर कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अब ये मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी एंटर कर रहा हूँ। ये सारा प्रोसेस स्लोली कर रहे हैं ताकि सबको समझ में आए ठीक से कैसे क्या करना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ये आया है बैंक जो भी लिंक है खाते से मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के हम लोग इसको वेरीफाई कर देंगे, हमारा ईनैश का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमको लेके गया NPCI की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे सारी चीज़ों मैंडेट है वो आ गया। अभी हमारा ईनैश का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैंक ट्रांसफर पेंडिंग है, अब हमको गो बैक पे जाना है। तो ये हमारा लोन सबमिट, अभी हम यहाँ कैप्टन ऐप का हो गया, अब रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, कैप्टन ऐप का स्क्रीन शॉट है ये, और ये हमें रिफ्रेश करके कंटिन्यू किया। अब हम फिनिश विजिट पे क्लिक कर देंगे और ये लोन हमारा कंप्लीट हो गया, लोन की एप्लीकेशन हम लोगों ने सबमिट कर दी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लोन हम लोगों को कैसे करना है, कैप्टन ऐप में कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, मर्चेंट ऐप में कौन कौन से